शहर जी इसमें लाहिमार रहीं। आज जो हमारा टॉपिक है वो इम्यून डेवलपमेंट और ब्लास्टोसिस्टिक फॉर्मेशन, इसे पहले कैलेविज आता है। कैलेविज इसको हम सेगमेंटेशन कहते हैं। जो कैलेज है, कैलेविज है, ये डेफर टू द सीरीज ऑफ रैपिड माइग्रेटरी डिफ्यूजन ऑफ द ज़ाइगोट। Series of rapid mitotic fusions of the zygote। और zygote जो बन जाता है, जब प्रजनन होती है तो प्रजनन के बाद ये zygote बन जाता है। जो कह रहे हुए हैं इसमें माइटोटिक डिवीजन हो जाते हैं जायगोट के, या ये क्या होता है, ये फाइलोफोटोजेनेसिस के बाद होता है। जैक में रेफर्स टू द सीरीज ऑफ रैपिड माइटोटिक डिवीजन ऑफ द जायगोट फॉर फर्टिलाइजेशन। नंबर वन, नंबर टू, the cells followed by cleavage are called blastocysts। और जो cleavage के दौरान cells बन जाते हैं, the cells formed during cleavage are called blastomeres। blastomeres क्या है, कहते हैं आता है जायगोट को, और जो सेल्स वहाँ फार्म हो जाते हैं वो हम ब्लास्टोमीयर्स कहा जाते हैं, कहते हैं। और आल्सो देखेंगे कैरेज फॉर फर्टिलाइजेशन एंड एंड ऑफ इज फॉर्मेशन ऑफ कैरेज फॉर फर्टिलाइजेशन। मतलब है जब फर्टिलाइजेशन होती है इसके बाद कैलेविज हो जाता है, जायगोट बन जाता है, वो कैलेविज हो जाता है। और एंड एट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट कॉल्ड ब्लास्टोमा एंड एट ऑफ विद डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोमा। और आखिर में जायगोट से लेके कैलेविज और कैलेविज से लेके फिर आखिर में इसका ब्लास्टुला बन जाता है। आप देखेंगे ये कैलेविज क्या होता है, हम लिखेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ कैलेविज। अगर देखेंगे कैलेविज के इट इज ऑफ टू टाइप्स, होलोब्लास्ट कैलेविज एंड होलोब्लास्ट कैलेविज। इट इज two types, one is the holoblastic cleavage and number second is the meroblastic cleavage। अगर देखेंगे जो होलोब्लास्टिक cleavage क्या होता है, इसके बाद है जो दूसरा है मीरोब्लास्ट कैलेविज, इधर डेटा कैलेविज
ਤੋਂ ਮਲਾਸਟਿਕ ਕੈਰੇਵੇਜ ਇਟ ਇਜ ਦੈਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੈਰੇਵੇਜ ਇਟ ਇਜ ਦੈਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੈਰੇਵੇਜ ਦੀ ਡਿਵਾਈਡ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ Yorkie, we divide us small Yorkie, small Yorkie, metabolically active part of the cytoplasm. Of air leaving your part undivided. Of air leaving your part undivided. This is the uniprocess carriage. इसमें इस कैरेज में देखेंगे इसमें जो ये मेटाबॉलिज्म एक्टिव पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म में अफेयर जो है इसमें जो यॉर्क पार्ट होता है वो डिवाइड नहीं हो जाता है। इसके फायदे हमारा इसको बोलते हैं दूसरा इसको इको हॉलोब्लास्ट के लिए भी दूसरा हमारा इट इज दैट टाइप ऑफ हॉलोबल कैलेवेज विच प्रोड्यूसेस इक्वल साइज ऑफ ब्लास्ट वेयर्स इट इज दैट टाइप ऑफ हॉलोब्लास्ट कैलेवेज their type of equal holoblastic cleavage, equal holoblastic cleavage, which produces equal sided blastomeres, which produces equal sided blastomeres. For example, ये वाश करे हुए कि रैबिट वो ह्यूमन का हो जाता है और इधर वो ये हैपनेस इन रैबिट एंड ह्यूमन्स। अगर देखेंगे ये जाइगोट जो है जाइगोट जब बीमार हो जाता है मैं इस पर जाइगोट बना रहा हूँ जो इसका न्यूक्लियस है पूरी जो लेयर है ये इसको हम ज़ूमा पेलेसुरा कहते हैं ये इसका न्यूक्लियस है। अभी देखेंगे इसमें यहाँ पर ये देखो
हमने डायग्राम बनाया इसका है, ये एक सेल है और दूसरे छोटी वाली सेल है, जब जाइगोट डिवाइड होता है तो ये इन दो सेल में डिवाइड होता है जिसको हम ब्लास्ट न्यूक्लियस कहते हैं। जो ये राइट वाली है तो शॉर्ट साइज की होती है, शॉर्ट या शॉर्ट टाइप की होती है, और ये लेफ्ट साइड की है ये लॉन्ग टाइप की सेल होती है, और ये इसका जोना पेरस जुड़ा है, इसको हम टू सेल स्टेज कहते हैं, टू सेल स्टेज जाइगोट। इसके बाद इसी तरह से थ्री सेल स्टेज बन जाता है, थ्री सेल स्टेज है। इसके बाद फोर सेल स्टेज बन जाता है, थ्री सेल स्टेज ये फोर सेल स्टेज है। हमारा जो टॉपिक है कि किस तरह से कितने स्टेज हो रहे हैं, पहले तो टू सेल स्टेज होता है, फिर थ्री सेल स्टेज हो जाता है, और इसके बाद फिर फोर सेल स्टेज होता है, और इसके बाद आठ सेल स्टेज होता है, आठ सेल स्टेज को एट सेल स्टेज। अब हमें ये देखना है कैलेविजियन हेमेनजाइगोट किस तरह से होता है। कैलेविजियन हेमेनजाइगोट ये किस तरह से होता है, अगर देखेंगे कैलेविजियन हेमेनजाइगोट इट ओकर ड्यूरिंग स्पेसेज टू द फैलोपियन टू द यूटेरस, इट occurs, it is passive from fallopian tube to the uterus, ये जो ये सब डायगोट बन जाता है, इसके बाद 16 टाइप का 16 सेल स्टेज का जब बन जाता है, फिर फालोपियन ट्यूब से एम्ब्रियो ऑफ द फालोपियन ट्यूब से देके यूट्रस में फिर चला जाता है। और अगर देखेंगे ये होलोब्लास्ट होता है, इसका मतलब है डिवाइडेड टू डॉटर सेल्स, टू डॉटर सेल्स, इट इज होलोब्लास्ट, होलोब्लास्ट दैट इज divides into two daughter cells. Number two. Jo the first cleavage takes place about 30 hours after fertilization. The first cleavage occurs after 30 hours. जो पहला कैलेविज हो जाता है इट टेक्स प्लेस अबाउट 30 hours, इट टेक्स प्लेस होगा और टेक्स प्लेस आफ्टर 30 hours
दैट मैंने जो फर्स्ट कले गए जो इट टेक एक्सपीरियंस दैट मैंने जो टेक्स 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट टेक एक्सपीरियंस इट वो कर 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट पर उस टू प्लस बियर्स जैसे मैंने आपको पहले दिखाया एट रूसस टू ब्लास्ट बियर्स दैट मीन्स आई टोल्ड यू दैट इट वाज टू ब्लास्ट बियर्स ऑफ इक्वल साइज एंड द ब्लास्ट बियर्स रिमेन अटैच्ड टू ईच अदर द ब्लास्ट बियर्स रिमेन अटैच्ड टू ईच अदर They may attack each other. इसके बाद है second cleavage occurs within 6 hours after fertilization. Second cleavage occurs 6 hours after फर्टिलाइजेशन ये फर्टिलाइज के बाद सिक्स आवर्स के बाद हो जाता है दैट मीन्स द सेकंड पीरियड ओकर्स 6 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड इट इज एट राइट एंगल्स टू द प्लान इट इज एट राइट एंगल्स It is at right angles to the plane of the first, and divides each blastomerus into two. And divides each blastomerus into two, forming a mitotic spindle. Go. इसके बाद 3 cell stage होता है of the blastomerus. इसमें जो the large blastomerus divides the letters on the large blastomerus divide a letter sooner. Later sooner than the smaller one. Then the smaller one. The large mass where we divide into 2 parts and the smaller one, larger here, is the smaller blaster here. These are two large, so one large blast divided into 2 large blastomeres. Therefore, the large blastomeres divide a little sooner than the smaller one, than the smaller one. This one divides very soon than this blastomere. So, there is 3 cell stage. So, this is. T-cell stage. इसके बाद है जिसको बोलते हैं थर्ड क्लेवेज तीसरा क्लेवेज क्या होता है ये कैसे हो जाता है इसको बोलते हैं थर्ड क्लेवेज इट टेक्स प्लेस अबाउट
प्रेस के बाद सेंट क्लोज के बाद हो जाता है फ्लोर चले इसमें केयर हो जाता है। इसमें अगर आप देखेंगे वी कैन से दैट इट प्रूव्स है स्वर्ण बाल वी से दैट इट वी से दैट इट प्रोसेस है स्वर्ण बाल मासा सेल्स जिनको हम स्मॉल स्पर्स मासा स्मॉल ब्लास्टो म्यूरस एंड हियर यू कैन सी द एम्ब्रियो देन लुक्स लाइक ए मलबरी हियर वी सी दैट द embryo looks like mulberry. ये mulberry वो जो शहतूत जो होता है इसकी तरह दिखाई देता है और इस स्टेज को known as marula, M-O-R-U-L-A, इसको हम marula कहते हैं। वो जब 8 से 16 स्टेज सेल ब्लास्टिकल सेल स्टेज हो जाता है इसमें से जब तकरीबन जो ब्लास्टिकल जो शक्ल है वो सेम है सेम एक मलबरी की तरह दिखाई देता है और इसको हम मालूला कहते हैं। The same as just like this, these are the blastomeres, this is the Zurum Peninsula, and we say that it looks like a desert of mulberry. This type is so well called, this is marula, some marula I think. This is the bed of Hamara to have. वो इसका आखिरी स्टेज है मारुले पैर जब मारुला बन गया उसका आखिरी स्टेज है वो ब्लास्टोसिस्ट है। इस ब्लास्टोसिस्ट में क्या हो जाता है द आउटर सेल्स ऑफ द मारुला जो बन गया द आउटर सेल्स ऑफ द मारुला जो मारुला के वजूद में आया क्योंकि जो आउटर सेल्स होते हैं ये अब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रो टू फ्लूइड अब्जॉर्ब्स nutritive fluid absorb करते हैं which is secreted by the uterine membrane which is ये कौन सी चीज होता है it is secreted by which is secreted by uterine membrane यूट्रस का है वहाँ पर जो यूट्रस मेम्ब्रेन होता है इससे सिक्रीशन हो जाती है वहाँ जो फ्लूइड जो है ना वो जो रिलीज होता है वो जो मारुला जो है ना वो सेल्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड आर हेनस आफ्टर कॉल्ड और ये एंड आर हेनस आफ्टर कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट और एक लैंड नाइक बनाता है जिसको हम ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं और इसको ट्रोपो एक्वाडर्म भी कहते हैं। एक लैंड बनाता है उसको ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं और ट्रोपो एक्वाडर्म भी कहते हैं और इसमें जो फ्लूइड अब्जॉर्ब द फ्लूइड अब्जॉर्बर बाय द ट्रोपोब्लास्ट कलेक्ट्स इन कैविटी और जब वो यहाँ से यूट्रस मेम्ब्रेन से जो फ्लूइड मारुला सेल्स ने अब्जॉर्ब किया है तो ट्रोपोब्लास्ट पर जमा हो जाता है और जो ट्रोपोब्लास्ट फ्लूइड अब्जॉर्ब बाय द ट्रोपोब्लास्ट और जो फ्लूइड एंड द फ्लूइड अब्जॉर्ब बाय द ट्रोपोब्लास्ट
assistindo a Kert da Brochil. E Kert, man. Kert. Collectors. Né? Kert, Kert, man. De modo até. Escolha do Brochil. Escolha o Brochil. Kert, man. Kert, man. De modo até. Escolha. Brochil. Escolha o Brochil. Sir, que é terra. Ou jo, isso não quer dizer ninguém. E, this is now it's called the Bluff system. Now the Bluff is a farm. This camp is called the now Bluff system. This whole system is not formal here. It's called the Bluff system. Here, the, this is the zone of pillar, so I'm speaking here. Thank you very much. Thanks.